हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। अब बात आती है फर्दर प्रोनाउंस की, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर चेकआउट करिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इन सब प्रोनाउन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, आप उसे जरूर चेकआउट करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे जो वर्ड्स उसके लिए यूज़ होते हैं वही सिमिलर वर्ड्स इसके लिए भी यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, कैसे अलग हैं, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, इससे क्वेश्चंस किस तरह से अराइज किए जाते हैं, इसके सीरीज चलेंगे मेरे चैनल पर, आप उसे देखें। प्रोनाउन के सीरीज ऑलरेडी चल रहे हैं मेरे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, एज वेल एज क्लास 8, 10th, 12th के लिए लिटरेचर एंड नाउन के सीरीज भी चले हैं चैनल पर, आप उसे देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आइदर आप स्कूलिंग कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। आइए जो स्टार्ट करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जहां कहीं क्वेश्चंस पूछने की बात हो, सवाल उठता हो, जब क्वेश्चन अराइज होते हो मन में, उसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वहां पर जो नाउन के बदले प्रोनाउन यूज किया जाता है उस क्वेश्चन को पूछने के लिए, वो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि बेसिकली प्रोनाउन क्या होता है, मतलब हम हटा दें काइंड को, पर्सनल, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, तो वो प्रोनाउन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोनाउन होता है कि जब नाउन के बदले हम किसी वर्ड को यूज करते हैं, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम इज ए गुड बॉय, राम प्लेज क्रिकेट, हम बार बार एक ही वर्ड राम को रिपीट नहीं कर सकते। ग्रामर में एक रूल है, रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब है आप किसी भी वर्ड को बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, उसके बदले आपको दूसरे वर्ड यूज में लाने होंगे। तो नाउन को जो रिप्लेस करता है, उसके इन प्लेस में जो यूज होता है, डैट इज प्रोनाउन। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन नाउन के बदले आके क्वेश्चन अराइज करता है, वो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यही डेफिनेशन है, प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन क्वेश्चन पूछता है वो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, हु, होम, हूज, व्हाट, विच। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, हु, होम, हूज, व्हाट, विच। अब स्टूडेंट्स के मन में आएगा ये सवाल कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही बताया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में भी यही बताया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, दो प्रोनाउन को वो एडज्वाइन करता है, दो प्रोनाउन को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉज को वो जोड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्वेश्चन अराइज करता है, वो सवाल पूछता है, या तो सब्जेक्ट के स्थान पे आके या ऑब्जेक्ट के लिए आके, इन सब जगहों से वो सवाल पूछता है। हु किस तरह से यूज किया जाता है, अब ये तो हो गया कि हु आता है, हुम आता है, हुज, व्हाट, विच, लेकिन ये क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। रिलेटिव प्रोनाउन में भी यही था, हु, हुम, हुज, विच और डैट था, तो आप देखें इसे कैसे पूछा जाता है। हु कम्स फॉर सब्जेक्ट, हु जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछता है, मतलब कोई काम अगर सब्जेक्ट कर रहा है, डूअर है उस सेंटेंस का, सब्जेक्ट मतलब उस सेंटेंस का वो डूअर है, करता है, तो वो क्या कर रहा है, क्या पोजीशन है उसकी, उसके बारे में जो क्वेश्चन अराइज करता है वो होता है हु। फॉर एग्जाम्पल, बॉय इज प्लेइंग, लड़का जो है वो खेल रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर क्या है, बॉय है, वो लड़का है, तो सब्जेक्ट के जगह पे क्वेश्चन आएगा, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, वो लड़का खेल रहा है, लेकिन कौन खेल रहा है, तो उस लड़के के लिए सवाल आया, इसका आंसर क्या होगा, व्हाई इज प्लेइंग, या इसका क्वेश्चन क्या होगा, हु इज प्लेइंग, एक दूसरे पे दोनों डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है हु यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए हु वर्क कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, हुम, होम कम्स फॉर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के लिए आए, ऑब्जेक्ट का मतलब कि ऑब्जेक्ट मतलब होता है रिसीवर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कार्य से किसी पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, डूअर जो काम कर रहा है, उसका असर किसी और पर पड़ रहा है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो इसका जो होम का जो यूज होता है ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन अराइज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज इन्वाइटेड हिज फ्रेंड, ही क्या है, यहाँ डूअर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, His friend क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसने अपने दोस्त को इनवाइट किया है, अपने दोस्त को निमंत्रण दिया है, तो इसका दोस्त जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ही जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो होम का क्या काम होता है कि वो ऑब्जेक्ट के लिए सवाल पूछ।
पूछेगा, तो whom has he invited, उसने किसको बुलाया है। तो यहाँ whom जो है वो he के लिए नहीं आया, his friend के लिए आया है। किसको बुलाया गया है, he के द्वारा, मतलब सब्जेक्ट ने किसको बुलाया है, कौन से ऑब्जेक्ट को बुलाया है, तो whom जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। थर्ड है whose, it comes for ownership। Whose क्या होता है, वो हमेशा ownership, पोजिशन को बताने के लिए आता है कि ये कलम मेरी है, ये किताब मेरी है, वो घर उसका है, वो उसकी दोस्त है। इस तरह से अगर हम बताते हैं, ownership को बताते हैं, तो वहां पर हम लोग whose का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैट कार इज हर्स, ये जो कार है वो उसकी है। Whose car is that, वो कार किसकी है, इसका मतलब हम पोजिशन बता रहे हैं। डैट पेन इज हर्स, वो कलम उसकी है। Whose pen is that, वो पेन किसकी है। तो एक तरह से हम पोजीशन बता रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं उस कार का उस लड़की से, कि ये दोनों में क्या संबंध है, ये कार किसकी है या उसके पास क्या है। तो whose car is that, उसका ये कार किसका है। अगर इस तरह से हम पूछते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं एक ऑनरशिप को वहां पर शो करने के लिए, तो वहां पर whose as a interrogative pronoun यूज करते हैं। फिर आता है इट, इट कम्स फॉर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। What, इसके बाद आता है what, what यहाँ पर it लिखा गया है what के लिए। तो what जो होता है वो subject या object दोनों के जगह पर सवाल पूछने के लिए उपयोग किया जाता है, और what जो है वो mostly asked होता है। अगर हम लोग किसी से normal conversation भी कर रहे होते हैं तो हम लोग what का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। Example, what has happened, क्या हुआ है। What have you bought, आपने क्या खरीदा है। What have you told, आपने क्या कहा है। और अब ध्यान देंगे कि सभी जगह क्वेश्चन मार्क यूज हो रहा है, इसलिए क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क। अगर वहाँ इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो वो इंटरोगेटिव नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा। इसलिए व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है, व्हाट हैव यू बॉट, आपने क्या खरीदा है, व्हाट हैव यू टोल्ड, आपने क्या बोला है, क्या कहा है। तो ये बेसिकली यूज होता है, व्हाट जो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज होता है, क्वेश्चन मार्क सभी लेंगे और इस तरह से इसका यूज होता है। फिर आता है विच, विच जो होता है किसका, इस तरह से बताने के लिए यूज होता है। विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, आप कौन सी किताब ढूंढ रहे हैं। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब इसका होता है ढूंढना, किसी चीज को सर्च करना, आप कौन सी किताब की ओर देख रहे हैं। तो विच जो होता है ये इस तरह से उपयोग किया जाता है सेंटेंस में। आई होप ये काफी क्लियर हो गया होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इससे सवाल पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसके क्वेश्चन के लिए होगा, इससे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।